घर कौन साफ करेगा? सर फोड़ेगी क्या? बहुत तेज लगी भाई सर पे, सर फोड़ गया मेरा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और ये जो सारे कपड़े पड़े हुए हैं ये इनके हैं, सारा मैश कर रखा है, बहुत गंदा घर किया हुआ है इन्होंने। अभी हम कल जयपुर से अभी शायद 12 बजे हम घर पहुंचे हैं दिल्ली में, और मैं 15 दिन से घर से बाहर थी, मतलब मैं मेरे घर थी जयपुर में, और हम कल ही आए हैं। और इनका मैंने आके घर देखा है ना, इतना गंदा पड़ा हुआ है सारा कुछ इधर से उधर, मैं आपको कंडीशन अभी बताऊंगी। और इनको मैंने बहुत बार, अभी भी ये फ़ोन चला रहे हैं बेड पे लेट के, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर गंदा हो। मैं हूँ करने वाली, आपको दिखाती हूँ, अभी भी देख लेना, कुछ नहीं कर रहे होंगे सिवाय फ़ोन के। बोला था ना मैंने क्या वीडियो बना रही है? नहीं, घर कौन साफ करेगा? सर फोड़ेगी क्या? बहुत तेज लगी भाई सर पे, सर फूट गया मेरा। घर साफ तो है, घर कहाँ से ज्यादा सफाई क्या करेगी इसकी, बस कहाँ से साफ है यार, कहाँ से साफ है, बिछाना ही तो है, इसमें करना क्या है? ले मैं बिछा दूंगा। हाँ बिछाना, इसमें बहुत सारा टाइम थोड़ी ना लगता है, बिछाना एक बार। अभी रुक जा, कैमरा बंद कर दे, फिर मैं अच्छे से सफाई कर दूंगा। टाइम 15 दिन से नहीं थी और रसोई का हाल देख सकते हैं मैंने क्या कर दिया, और पूरा घर गंदा पड़ा। अब ये मुझे डांट रही है, अब मुझसे बर्तन धुलवाने के लिए बोल रही है। अभी देखो सफाई में लगी हुई है वहाँ पे। मैडम गुस्सा मत कर यार, मैं सफाई कर दूंगा, टेंशन ना ले, गुस्सा मत कर। तो गुस्सा आ रहा है सफाई करने में लगी हुई, उसे बहुत सारी सफाई करनी है। और घर का हाल देख लो आप, कहीं पे सॉक्स पड़ी हैं, सारे कपड़े मैंने धोए नहीं है, सारे गंदे पड़े हैं, और पूरा घर मैश हो रखा है। तो आज की सफाई मेरे नाम है, तो मुझे ही करनी पड़ेगी सारी सफाई। आज मैं क्या काम करने वाला हूँ मैडम बताओ? आज तुम बर्तन धोओगे। मैं एक काम करूंगा, कोई सा भी काम करवा ले मुझसे, मैं ना तो झाड़ू लगाऊंगा ना सफाई करूंगा, सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, बर्तन मैं धो सकता हूँ। अगर बर्तन धुलवाने हैं तो बताओ। अरे इधर भी देख लो मैडम, बर्तन धुलवाने हैं तो बताओ। तुम सारे काम करोगे? मैं सारे काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक काम करूंगा, वही बर्तन धोऊंगा। यार इतनी सारी घर की सफाई मेरे से अकेले से थोड़ी ना हो पाएगी यार, तुमने अंदर भी कुछ गंदगी करी है क्या? कोई गंदगी नहीं करी भाई, 10 दिन हो गए, डब्बों पे भी गंदगी कर दी। तो ये तो शुक्र है कोरोना वायरस की वजह से इसको वापस आना पड़ा, इसका एग्जाम था कैंसिल हो गया एग्जाम, अब उसकी डेट आगे बढ़ चुकी है। और अब अच्छा हुआ ही, आगे तो मुझे पेट भर के खाना तो मिल जाएगा, पहले बाहर सब कुछ बंद है तो अब घर के अंदर कुछ खाने को तो मिलेगा। तो इस नाते मेरा एक काम करना तो बनता है, तो मैं बर्तन जरूर धो दूंगा, इससे अलावा मैं कोई काम नहीं करने वाला। ये बोल रहे थे ना घर का काम नहीं करेंगे, सारा काम कर रहे हैं, सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं। यार तू बहुत बेकार है, फिर से पूरे घर की सफाई करवा ली इसने धीरे धीरे। कोई बात नहीं, जितना होता उतना कर लो। इसने बोला अगर सफाई करेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी, वरना मैं वीडियो शूट नहीं करूंगी। देखो कैसे ब्लैकमेल करते यार, बहुत गलत बात है दोनों तेरी है। भाई सफाई कर करके होगी मेरी तो हालत खराब, अब मुझे तो लगी है भूख और मैं कुछ खाने वाला हूँ, क्योंकि रात को पूरा वाटर सील था, लेकिन आपका भाई मुश्किल परिस्थितियों में भी निकल के आ गया, क्योंकि भाई पुलिस में है तो कुछ तो फायदा मिलेगा ही। तो पुलिस में दे कम से कम 10 या 12 जगह बॉर्डर सील कर रखा है जयपुर से दिल्ली के बीच में, और काफी नाकाबंदी थी, काफी जगह चेक किया। पहले तो आना जरूरी था यार, मेरी कल ड्यूटी है, और ड्यूटी पे पुलिस को तो पता है आपको, कोई पुलिस की कोई छुट्टी वगैरह होती नहीं है, तो कल ड्यूटी पे पहुंचना बहुत जरूरी है, तो कल जाएंगे ड्यूटी पे और इसलिए आ जाना पड़ा। और अब सुबह आते ही मैडम ने मेरे से सारी सफाई करवा दी। अब भाई मेरे को लग गई है भूख, अब मैं कुछ खाऊंगा। घर से हम बना के लाए थे मिक्स वेज सब्जी, पुड़िया का है भाई, पुड़िया तो दे दे, पूरे घर का काम करवा लिया इधर मेरे, धीरे धीरे बेवकूफ बना के पूड़ी दे दे भाई, कुछ खा लूंगा, भूख लगी है, मर जाओ भाई। मेहनत करने के बाद अलग ही मजा आता है खाने का, और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस है तो हम घर से ही खाना बना के लाए थे सुबह के लिए, अब ये खाना सुबह के लिए हो जाएगा। और अगर आपको घर का राशन वगैरह लेना है तो जो मार्ट्स होते हैं जहाँ पे घर का राशन वगैरह मिलता है, तो वहाँ पे सामान मिल रहा है, अभी हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ सामान लेकर आएंगे। और ये अभी बोल रही है कि मेरे से बर्तन और धुलवाएगी, मैं बर्तन नहीं धोने वाला, मैं पहले बोल रहा हूँ, तो मेरे साथ बहुत अत्याचार कर लिया मेरे ऊपर, मैं बर्तन नहीं धोऊंगा।
मैडम पूरा चमकाने का इरादा है क्या? इतना चमका चमका के सफाई कर रहे हो, एक कितनी देर होगी सफाई करते हुए? एक घंटा हो गया मेरे को। तो एक घंटा रसोई में लगाओगे तो पूरे मतलब पूरे घर को साफ होने में तो मेरे ख्याल से 10-12 घंटे लग जाएंगे। तुम्हारी तरह नहीं रहती ना, मैं बहुत सफाई करती हूँ, डीप क्लीनिंग। अच्छा तो मैं क्या सफाई नहीं करता ना। भाई लड़के ऐसी ही सफाई करते हैं, ऐसे नहीं करते लड़कियों की तरह एक चीज को बारीकी से साफ करना, ये हमारे बस की बात नहीं है। और भाई आप ही बता दो, मेरी तरह सफाई करते हो या मैडम की तरह सफाई करते हो? मैं तो ऐसी सफाई करता हूँ, जितना काम चल जाए उतनी सफाई करता हूँ, उससे ज्यादा सफाई करना अपने बस की बात नहीं है। ज्यादा खुश मत हो, अभी बर्तन भी मांज रहे तुम्हें। अच्छा यार इतनी सफाई तो करवा ली, सारे बिस्तरे लगवा लिए, कपड़े उठवा लिए, इतना कर दिया, कम है क्या? बहुत कम है अभी बर्तन। दोस्तों जब मैं चाय पी रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, चाय पीने में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बाद में मुझे कप धोने पड़ेंगे, तो आज मेरी तो बहुत बुरी हालत हुई है। मैडम ने सारा काम करवा लिया मेरे से, खैर सारा तो नहीं करा मैंने, लेकिन जो जो मेरे बस में था वो काम कर लिया। पिछले 10-15 दिन में मैंने इतना काम नहीं करा और इतना काम मुझे एक दिन में करना पड़ रहा है, ये सारे बर्तन मुझे धोने हैं। तो आप भी घर की ऐसे सफाई करते हो क्या? अपनी वाइफ का हाथ बटाते हो? बटाना चाहिए वैसे, क्योंकि हेल्प करना बहुत जरूरी है, तो अगर दो बंदे मिलके काम करते हैं तो काम थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाता है। मैंने कर दी है, सारी चीज़ें सेट कर दी हैं अच्छी तरीके से, और सारे ड्रॉअर मैंने सेट कर दिए हैं, इसमें जितनी भी साफ़ सफाई करनी थी मैं मेरे से जितनी हो सकती थी मैंने करी है, और मैडम लगी हुई है। मैडम मेरा क्या क्रेडिट है सफाई में बताना जरा एक बार? और क्या मैंने ही तो करी है, देखो बस सारी चीज़ें कर दी है, बस अब बिस्तर जमाने रह गया है, और उसके बाद झाड़ू लगेगा और पोछा लगेगा, और उसके बाद जो थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है वो मैं करूँगा। मैडम का भी क्रेडिट जाता है, मेरा भी क्रेडिट जाता है, दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करी है। कितना अच्छा बेड सेट किया है मैडम ने, मेहनत रंग लाती है आखिरकार, क्यों लाती है ना? सोचते हैं कि मैं मेहनत नहीं करता, देखो 1, 2, 3, 4 बोतल भर दी है और 5वीं बोतल भरने जा रहा हूं, तो देख लो आधे घंटे से फ्रीज साफ करने वाले, बस हो गया भाई, हो गया, कितनी मेहनत करेगी है बेचारी, एक एक कोना कोना साफ कर रही है, बहुत मेहनती बच्ची है, बहुत ज्यादा। आज से को गिफ्ट मिलेगा, एक चॉकलेट मिलेगी, कौन सी वाली चॉकलेट पसंद है? किटकैट, ठीक है किटकैट मिलेगी। अभी तक हमारी मैरिज एनिवर्सरी वाले गुब्बारों के अंदर हवा बची हुई है, यानी कि सोनम मेरी, अच्छा तेरी सांसें हैं, इसकी बेचारी की सांसें अभी तक खत्म नहीं हुई, गई। फोड़ मत यार इसको, यारे बड़े दिन चल गए है ना, कितने दिन हो गए? एक हाँ काफी टाइम हो गया ना, रहने दे। मजा आता है ना किसी को काम करते हुए देखने का, है बड़ा मजा आ रहा है मेरे को तो। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा यार, मेरे से बर्तन भी धुलवा लिए, अब मेरे से पोछा भी लगवाएगी, शर्म नहीं आती? एक अबला पति के ऊपर अत्याचार कर रही है तू, है तेरी याद सताती है। हाँ यार ये तो
मेरे पहले बर्थडे पे तुमने मुझे दिया था है ना, ये हम कहाँ गए थे, हाँ थोड़ा डैमेज हो गया। ये मेरा पहले दिखाना एक बार मेरे को, ये मेरा हमारा पहला गिफ्ट है जो इसने मुझे दिया था। कहाँ गए थे हम, उत्तराखंड घूमने गए थे पहले। सीरियसली यार, घर का काम करना तो बहुत मुश्किल होता है। झाड़ू लगाया है मैंने, सिर्फ 30 सेकंड पसीने आ गए। जिम करने से भी बड़ा काम है भाई, ये तो बहुत मेहनत वाला काम है। कैसे कर लेती हो तुम लड़कियां हैं? बेचारी ने बहुत मेहनत करी है, सुबह से परेशान हो रही है, फ्रिज साफ करा आधे घंटे, एक घंटे से कमरा साफ कर रही है, आधे घंटे से इसने ये कमरा साफ किया। बहुत मेहनत करती है, आज तुझे इनाम जरूर मिलेगा, टेंशन ना ले। हेलो, हाँ कृपया अपनी टांगे ऊपर करें। नहीं करूँगा, नहीं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानि हो सकती है। तो दोस्तों, 4 से 5 घंटे की मेहनत के बाद ऑलमोस्ट घर पूरा क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि घर की पूरी डस्टिंग और झाड़ू और पोछा वगैरह सब कुछ लगाया है, और मैडम बहुत थक चुकी है। और ये देखिए, ये रूम कितना क्लीन हो चुका है। और जब हम आए थे, जब इस रूम की क्या हालत थी। तो मैडम, एक्सक्यूज़ मी, हेलो, कुछ कहना चाहेंगे आज की मेहनत के बारे में? कितने घंटे लगे आपको सफाई करने में? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे। और मेरा क्या योगदान रहा है सफाई के अंदर? थोड़ा बहुत। कितना परसेंट? वाटर भरना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना। फाइनली गाइस, हमारी वीडियो ओवर होती है यहाँ पे, और मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। जो लोग घर में काम करते हैं, अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं ये सब करने में, उनको तो ऑब्वियसली पसंद आएगी, और उसको भी पसंद आएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस की वजह से सब लोग घर पे ही हैं, लॉकडाउन सब कुछ हो रखा है, बाहर कुछ भी नहीं है, तो बाहर जाने का फायदा भी नहीं है। और बाहर आप ना निकले, घर में रहे, सेफ रहे, और घर में ही अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो मैं यही कहूँगा। इसीलिए आज हमने, बाहर हम जा नहीं सकते, इसलिए आज हमने घर का एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों को बना के दिखा दिया। आई होप कि ये जो व्लॉग है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और पिछली वीडियो में हमने आप लोगों से क्वेश्चंस किया था, क्या क्वेश्चन किया था कि मेरी एज कितनी है, उसका आंसर देना था, राइट आंसर जो बताएगा। और उसके लिए हमने बोला था कि अनाउंस करेंगे, इस वीडियो में उनका नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में सही जवाब दिए, उनके नाम मैडम अनाउंस करने वाली है। देती हूं। एक है अनिल कुमार मीना। अनिल कुमार मीना, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 29 इयर्स मेरी एज है। उसके बाद एक अप्रोक्स इनका जवाब सही है, अक्षय चौधरी, उनका नाम भी लेना था, तो अक्षय चौधरी जी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अक्षय चौधरी ने बताइए 28 से 29 के बीच में, लेकिन अप्रोक्स है, लेकिन 29 इनका जवाब भी ठीक है। उसके बाद है अक्षय राघव। उसके बाद है अक्षय राघव, अक्षय राघव ने भी 29 बताया, तो इनका जवाब भी बिल्कुल सही है। डी प्रॉमिस, डी प्रॉमिस, प्रॉमिस वाइफ किसको प्रॉमिस कर रहे हो, डी प्रॉमिस। तो डी प्रॉमिस ने भी सही जवाब दिया है। और जिन लोगों ने हमें हैप्पी बर्थडे विश करा, उनको बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही विश करते रहो, ऐसे ही प्यार बनाते रहो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और घर में रहो। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो अपने घर के कामों में अपनी वाइफ का हाथ बटाते हैं, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। और आप क्या सोचते हो और आपकी क्या थिंकिंग है, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और हमारे चैनल को, और जो राइट आंसर देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में हम अनाउंस करेंगे। हाँ, जो सही जवाब देगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो आपको ये बताना है कि 100% में से कितने परसेंट लोग हैं जो अपनी वाइफ को हेल्प करते हैं घर के कामों में। तो जिसका जवाब सही होगा उसका नाम अगली वीडियो में अनाउंस होगा। और ये थी एक छोटी सी व्लॉग वीडियो, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट कर दे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, गंदे कमेंट्स वाले दूर ही रहें, नॉट अलाउड। ओके, बाय एंड टेक केयर।